सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठी रजा ब्लॉग्स। सर, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि मैंने यही वाली बाइक क्यों ली, एसडी एडवेंचर। इसके अलावा मेरे पास दो तीन ऑप्शन और भी थे, जैसे कि हिमालयन हो गया, ठीक है, और सुजुकी की एक 250 आती है वो है, KTM 200 है वो है। तो अप्रॉक्सीमेटली सारे ये जो तीनों ही चारों बाइक हैं ये सेम रेंज के आसपास आती हैं, प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ जो मैं, और बट इनके पावर में और इनकी जो स्पेसिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने यसदी एडवेंचर के लिए आज वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, और वीडियो पसंद आया तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा वीडियो पसंद आती है तो। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में यार, कि इस बाइक को परचेज़ करने के पीछे क्या रीज़न था मेरा। तो सबसे पहले इस बाइक से पहले मैंने हिमालयन देखी थी, तो हिमालयन का यार देखिए लुक जो था ना बहुत सालों से सेम आ रहा है, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन कह लो या पावर कह लो वो भी मतलब 3-4 साल 5 साल से वो बाइक आ रही है, बट अभी भी उसके जो स्पेक वगैरह है ना वो सब सेम आते हैं, 24 HP जो आपकी है। और ये जो बाइक लॉन्च हुई है अभी मार्केट में, इसका जो पावर रेंज है वो हिमालयन से बहुत ज़्यादा है। और हिमालयन की वैसे अगर बात करते हैं, वो हिमालयन आपकी सबको पता है 400 cc के आसपास के, ये अपनी 350 cc की है यसदी एडवेंचर। और पावर रेंज की बात करते हैं तो हिमालयन आपकी आई थिंक 24 पॉइंट समथिंग कुछ BHP की आती है, और ये आपकी 29 समथिंग कुछ BHP है। प्लस इसमें प्लस पॉइंट दो तीन प्लस पॉइंट्स हैं आप लोगों के, कि जैसे आपके इसमें आप लोगों को 6 गियर मिलते हैं ये, और हिमालयन में आप लोगों को 5 गियर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यार टॉप एंड जो की जो बात है, टॉप एंड आप यसदी एडवेंचर को आप 100 एंड 120 पे क्रूज़ कर सकते हो हाईवे पे, और नॉन स्टॉप मतलब आप पूरे दिन आप चाहे क्रूज़ करो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन लगा हुआ है आपका। और हिमालयन की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर ऑयल कूल्ड इंजन है आपका, तो ऑयल कूल्ड में कहीं ना कहीं आप लोगों को ना एक लिमिट के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ता है, ब्रेक ना भी लो बट एक इंजन के ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर लगा रहता है कि हाँ यार। बट लिक्विड कूल्ड में क्या है यार, आपका इंजन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, और इसमें रेडिएटर वगैरह सारा कुछ मेंशन करके रखते हैं, तो उस चीज़ में फ़ायदा है आप लोगों का अगर आप लोग हिमालयन और यसदी एडवेंचर में ले रहे हैं। प्लस जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में था उनके पास भी हिमालयन है, और बहुत मेजर इश्यूज हैं हिमालयन के अंदर अभी भी, कि मतलब अभी BR6 में लॉन्च हो चुकी है, मतलब कि आपके 6 वेरियंट आ चुके हैं उसके, बट फिर भी अभी भी आपका अगर बात करते हैं हम लोग तो अभी भी बहुत सारे इशूज़ हैं हिमालयन के अंदर। और ये जो बाइक अभी निकाली गई है इसमें आप लोगों का डिजिटल आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट मिलता है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मोड्स वगैरह मिलते हैं यसदी एडवेंचर में, जहाँ पे आप लोगों को रेन मोड और उसका ऑफ रोड मोड है, और एक जो बेसिक रोड मोड होता है वो होता है जिसमें आप लोगों के ABS वगैरह डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। साथ साथ इसमें आप लोगों को चार्जिंग मिलती है कि जिसमें आप लोग अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, तो Type A और Type C दोनों तरह के इसमें चार्जिंग मिलती है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिमालयन में हिमालयन से बेटर है ये, अगर आप लोग कंपेयर करते हो, चाहे आप उसमें स्पेसिफिकेशन में बात कर लो, चाहे आप ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं ये हिमालयन से बेटर है। जो हिमालयन मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी चलाई है बाइक, तो वो भी ये बोलते हैं कि स्मूथ बाइक है हिमालयन। हिमालयन ना थोड़ी सी बल्की लगती है जब उसको आप चलाते हो, पिकअप देते हो, और ये बहुत स्मूथ है, मतलब इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको पता चलता है कि जब आप थ्रॉटल देते हो, एक्सेलरेशन देते हो, तो बाइक एकदम से भागती है आपकी, तो उस चीज़ में ये फ़ायदा है। प्लस हिमालयन से अलावा बात करता हूँ तो अगर सुजुकी की मैंने 250 देखी थी, बट उसमें क्या था यार कि वो पूरी जो बाइक है ना प्लास्टिक में, और मुझे चाहिए थी थोड़ा लोहा टाइप बाइक कि थोड़ा हाँ यार वेट लगे और कुछ जब चलाओ तो कुछ मज़ा आए, और वो बाइक आपकी 250 cc की, और 250 cc की मुझे रेंज में नहीं चाहिए थी, मुझे कम से कम 350 cc की बाइक चाहिए थी। तो उस केस में मैंने फिर ये वाली बाइक परचेज़ करी, और अभी तक की जो मैं परफॉर्मेंस कह सकता हूँ कि यार कि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है यसदी एडवेंचर की, मैं इसको अभी तक 2500 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो परफॉर्मेंस में इसमें कोई भी इशू नहीं आया अभी तक, और चलाने वाइज हाईवे वाइज बहुत बढ़िया है। बट हाँ, सिटी में अगर कहीं चलाते हैं कहीं ना कहीं तो जैसे कि इसका हैंडल बार बहुत चौड़ा है, और बाइक थोड़ी सी लंबी है यार, ठीक है, आगे वाला इंच जो इसका टायर है वो 21 इंच का मिलता है, और पीछे वाला भी बड़ा मोटा टायर है, तो कहीं ना कहीं सिटी में चलाने में ना थोड़ा इशू आता है। प्लस सिटी में चलाओगे तो हीट बहुत करती है, क्योंकि हाई कंप्रेशन रेट इसका जो इंजन है हाई कंप्रेशन वाला है, तो इसको आप बिना चप्पल मतलब बिना शूज़ के नहीं चला सकते, अगर चप्पल पहन के चला रहे हो ना तो पाँव जला देगी बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो एयर निकलती है वो राइट हैंड साइड से पूरी निकलती है, तो वो चीज़ ध्यान देना है।
और बाकी इसमें आप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपका, ये इसमें आपको बहुत एडवांस मिलता है। इसमें आप लोगों को इसमें तेल कितना बच गया है और आपकी एवरेज किलोमीटर कितने निकाल रही है, ठीक है ना। ट्रिप ए ट्रिप बी जो बेसिक होता है वो तो है ही है, ठीक है। मोड्स मिलते हैं आप लोगों को, मोड्स का फ़ायदा ये है, जैसे रेन मोड में आप डालेंगे बारिश वारिश हो रही है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है इसका ABS, और जो ब्रेकिंग इसकी जो पावर है बहुत बढ़ जाती है आपकी, तो रेन मोड में आप इसे चलाइए। प्लस इसमें क्या है ना कि थोड़ा बहुत जो विंडशील है वो हिमालयन की तरह ही है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा अगर आप लोग 6 फीट के आसपास हो। जैसे मेरी हाइट 5'7" है तो मुझे इसमें भी कोई भी विंडशील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आप लोगों को वही सेम हिमालयन की तरह आप लोगों को ब्लूटूथ मिलता है, जहाँ पे आप लोग कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह वो सब कुछ चीज़ें शो होती हैं। तो ये कुछ रीज़न थे यार कि मुझे ये बाइक पसंद आई। प्लस इस पर आपको कलर वाइट मिलता है जो कि हिमालयन में और बहुत प्रीमियम कलर लगता है। प्लस टैंक इसका 15.5 लीटर का है और एवरेज बहुत अच्छी देती है यार। अभी हाईवे पर अगर आप निकालोगे ना तो एवरेज पे जैसे आप देख रहे हो AFE मेरा 37 दे रही है, तो हाईवे पे 37 के आसपास की एवरेज है ऑन हाईवे। और सिटी में अगर चलाते हो ना, सिटी में थोड़ी कम है क्योंकि तेल ज़्यादा खाती है मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, तो सिटी में आपकी ये 20 से 25 की माइलेज देती है। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है हाईवे पे चलाने पे और इसका लोकल चलाने में। तो ये कुछ चेंजेस थे, मतलब डिफरेंसेस थे हिमालयन में इसमें और अपना जो सुजुकी की बाइक आती है। प्लस KTM की बात करते हैं तो KTM का प्राइस ना बहुत ज़्यादा है इससे, तो KTM को लेने का मेरा कोई मूड नहीं था। प्लस KTM थोड़ी सी इससे छोटी लगती है, तो मतलब मेरा था कि ठीक है चलो यार यही वाली बाइक परचेज़ करते हैं और इसी को लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये बाइक लिया और मैं फुली सेटिस्फाई हूँ इस बाइक से। ऐसा कोई भी इसमें मेजर इशू नहीं है। स्टार्टिंग में आया था जब बाइक मैंने ली थी तो फर्स्ट सर्विस से पहले इसके ब्रेक्स वगैरह में कुछ आवाज़ आती थी, तो वो सर्विस सेंटर वालों ने ठीक कर दिया बिल्कुल। उसके बाद से इसको मैं दो लॉन्ग राइड पे लेके गया हूँ 500 किलोमीटर की, तो जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत बढ़िया थी। सिंगल डे में मैंने 500 किलोमीटर इस पर कवर किए थे, तो कोई भी इस पर ऐसा इशू नहीं आया। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार हिमालयन अगर आप लोगों को पसंद नहीं और आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं कोई बाइक, तो ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं यदि एडवेंचर की। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग हाईवे राइड्स करते हो ज़्यादा तभी परचेज़ करना, अगर आप लोग सिटी राइड करते हो ऑफिस वगैरह जाते हो तो उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है चलाने में, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना हीटिंग बहुत ज़्यादा करती है। तो मैं भी इसको यही है कि जब हाईवे वगैरह मुझे जाना होता है, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तभी निकालता हूँ, अदरवाइज़ जो दूसरी बाइक है स्कूटी है आप लोग वो चला सकते हो। तो ये कुछ यार रिव्यू था इसका 2500 किलोमीटर का और मैंने क्यों परचेज़ करी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना यार, और वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।